फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया था आपको कि ये शगुन के लिफाफे बनाने बताए थे मैंने आपको, जो हमारे शादी के कार्ड्स आ जाते हैं, फिर वो बाद में हम वेस्ट कर देते हैं उनको। अब हम वेस्ट नहीं करेंगे उसको और उनको हम शगुन के लिफाफे बनाएंगे। ये वाला वीडियो मैंने आपको पहले पोस्ट किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे। आइए इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा एक वाइट शीट, कुछ कलर्स, ये हम बनाते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी बताऊँगी। मुझे पता है आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप बहुत बिजी हैं। तो चलिए अब हम आज शुरू करते हैं, कुछ फ्लावर्स बनाते हैं, डार्क, उससे लाइट और उससे थोड़ा और लाइट। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। हमें बहुत ही सिंपल है ये, ज़रा सा बस आपको क्या करना है कि इसमें क्रॉस लगाने हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, बस आपको क्रॉस लगाते जाना है और क्रॉस का साइज थोड़ा छोटा करते जाइए। हम एक और शेड ले लेंगे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, इससे डार्कर शेड ले लेते हैं। ये हम सबसे पहले इधर इसके साइड में यूज करेंगे, इस तरह से क्रॉस 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 हम बनाते जाएंगे बस। ये हमने क्रॉस क्रॉस बनाया है। ये हो गया हमारा लाइटर शेड, ग्रीन का भी हम थोड़ा सा एक लाइट शेड और उससे थोड़ा सा डार्कर शेड यूज करेंगे। दो शेड्स हम यूज करेंगे। इससे हम छोटी सी लाइंस इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, हल्की हल्की सी। ये वाला शेड भी हम यूज कर लेंगे, थोड़ा सा एक अच्छा लुक आ जाएगा इसमें। ये हमारा बचा हुआ पीस है, जो मैंने आपको पहले एनवलप बनाने सिखाए थे, उसका हमारा बचा हुआ हिस्सा है ये, एक पोर्शन। आइए इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली साइज लेंगे, जितना बड़ा साइज चाहिए आपको। अगर आपको उसमें कुछ बड़ा मैसेज लिखना है तो आप थोड़ा बड़ा साइज ले लीजिए। आप जरा सा इस तरह से फोल्ड करिए, स्केल की सहायता से करेंगे तो ये नीट आएगा, इसलिए हम करेंगे। अब जो ये वाला जो फ्लैप है हमारा, इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने यहां लगाया और इसको हम इसके ऊपर से ऐसे यहां लगा देते हैं। आप अपना मैसेज यहां पर लिख सकते हैं, जो भी अगर आपका बड़ा मैसेज है आप यहां लिख सकते हैं बड़ा मैसेज। ये देखिए मैंने एक और बना के रखा हुआ है। ऐसे ही बनाया है। ये है एक छोटा सिंपल सा फ्लावर। एक मैंने ये बनाया है, ये भी मैंने सेम मेथड से बनाया है, जैसे कि हमने ये बनाया था उसी तरह से। ये भी पहले फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ करके उसमें शेडिंग कर दी है, तीन कलर्स की शेडिंग करी है इसमें भी। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आप, और अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, आप कहीं से अच्छा पैटर्न अगर आपको मिलती है वहाँ से कटिंग करके
कट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और देखिए हमारे यहाँ जब शादियों में गिफ्ट जाते हैं लड़की या लड़के के यहाँ से, तो उसमें जैसे लड़की के कपड़े, लड़कों के कपड़े, दूल्हा दुल्हन के कपड़े जाते हैं, तो उसमें छोटा सा एक टैग लगा होता है जिसमें कि एक दोहा लिखा होता है। ये मैंने छोटा सा दोहा लिखा है इसमें, ये देखिए, जीवन पथ के नव पथित पति को, जीवन पथ के नव पति को हो यात्रा सफल तुम्हारी, आशा की कलियां विकसित हों, महक उठे फुलवारी। अब इस तरह के कोई से भी अच्छे अच्छे मैसेजेस, इसको हम दोहा कहते हैं। ये दोहे आप लिख करके और लड़की की शादी की जो शादी की पैकिंग करते हैं उसमें आप लगा सकते हैं इस तरह से, और इसको और चाहे डेकोरेट आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर मोतियाँ और लगा सकते हैं ताकि और सुंदर बन जाए। ये दोहे लिखने के भी काम आ सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको अगर अच्छा सा मैसेज लिखना है आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने एक छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है, ये है देखिए, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनको, बच्चों को मैसेज, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस लिख सकते हैं। ये मैंने एक लड़की बनाई है, क्योंकि लड़की के अगर लड़की है तो आप लड़की लड़की की पिक्चर बना करके, ये मैंने इस ये छोटा सा पेपर कट करके इसके रिबन्स बना दिए हैं, ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ करके कटिंग करके लड़की का फेस बना दिया है, और उसके बाद मैंने ये ऐसे ही यहाँ पर लड़की के वो बना दिए हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया है। यहाँ बॉर्डर्स दे दिए हैं इसके, हम बेस्ट विशेस लिख देते हैं यहाँ पे कि ये मैंने इस। अगर हमें किसी लड़के के लिए गिफ्ट देना है तो हम एक और कार्ड बना लेते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने फेस बना के ऑलरेडी रखा है लड़के का, हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसका फिर एक छोटी सी कटिंग करेंगे, इसकी छोटी सी इतनी सी हम कटिंग लेंगे और इसको जरा सा ऐसे फेविकॉल लगा करके बीच में इसको ट्विस्ट कर देंगे, और ये देखिए इसकी बो बन जाएगी लड़के की। अब ये जो ये बो बन गई है लड़के की, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। किसी लड़के को अगर गिफ्ट देना है तो हमने ये बो वाला बना दिया है लड़का, और लड़की को देना है तो हम बेस्ट विशेस ये इस तरह से इसके रिबन्स बना देंगे। ये देखिए मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरे आने वाले वीडियो के को प्लीज़ देखते रहिए।